हाय गुरु जी, इधर देख, इधर देख। वाहे गुरु जी, गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। और सुनाइए क्या चल रहा है? तो अभी बस तैयार हुए हैं, स्मार्ट स्मार्टी बन के बैठे हो। अभी बस तैयार हुए हैं जाने के लिए, लेट हो गई, 12:30 तो यहीं पे बज गए। फोन आ रहे हैं मासी के, निशा। हाँ हाँ, तो तैयार हो जा भाई, तू भी फटाफट। बस 2 मिनट में देख पा रही कौन है बेटा? देखो कौन है, जाओ देख का कौन है। तो गाइस जाना है, लेट हो रही है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। नाश्ता कीजिए ब्रेड पकौड़े के साथ। निशा ने सुबह सुबह ब्रेड पकौड़े बनाया ना, भूख लग रही। मैं निशा वही खा लें, कह रही नहीं खा तो चलो खा लें, वीकनेस आती है, चक्कर आ जाए। हाँ तो मैं चल बना फटाफट, पूजा भी आ रही है, पूजा भी रेडी हो रही है, फिर चल हम जाते हैं, फिर दिखाते हैं। सो गाइस अब रेडी हो चुकी हूँ मैं, अपना आज अंकल जी का चौथा है ना, तो वहीं जा रहे हैं मासी के, वहीं लाजवंती गार्डन। तो मिलते हैं आपको आज मंदिर में, वहीं पे लाजवंती गार्डन में, और जहाँ भी है वो उनकी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति। गाइस अभी बस मंदिर पहुँचे हैं और पहुँचते लेट हो गए। क्या टाइम हो गया निशा? हैं 2 बज गए हैं। और तो कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं फिर, ठीक है निशा? आइए। तो आज अंकल जी का चौथा है, तो मंदिर में आया हूँ, तो आप उनकी आत्मा को शांति के लिए सब गाइस प्रे कीजिए, ओम शांति। तो आ गए मम्मी? हाँ आ गए बेटा, अंकल का बहुत अफसोस लगा है। अंकल परेशान भी बहुत थे ना मम्मी, तो आज चौथा था ना, तो फिर आज यहीं पे सारा प्रोग्राम कर दिया, खाने वाने का भी था और चाय मट्ठी का भी था। तो फिर मासी का सारे आज सब चले जाएंगे, फिर अब 10 बजे पे जाएंगे हरिद्वार, फिर शालू रिंकी और उनके दोनों हस्बैंड जाएंगे दोनों के। ठीक है, तो आगे तो अच्छा गया ना, नहीं तो मासी को बोलती। हाँ नहीं नहीं ऐसे महसूस होता है शुरू शुरू में, तो बड़ा फील हुआ अंकल। तो पहले हम तो देख के आए ना अपनी आंखों से, 2 बार तो हॉस्पिटल हुआ के आई थी मैं, फिर भाई घर गए थे पिछले हफ्ते, और इस हफ्ते की अंकल की तबीयत काफी टाइम से बीमार चल रहे थे ना, इस टाइम अंकल की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी मम्मी, इस चक्कर में फिर जा रहे हो मम्मी? हाँ जा रहे हैं। साजन घर चलते? नहीं बस अब जाते नहीं है ना, अच्छा अब आयो आप पास से और जा रहे हो आप कब लेगा, अच्छा नहीं लग रहा है किसी दिन जरूर। चलो आना है, ठीक है पहुँच के फोन कर देना। ओके बाय बाय, ध्यान से जाइयो बेटे, प्रोग्राम तो सही हो गया मासी का ना? हाँ बस अब फ्री हुए हैं, घर जा रहे हैं गाइस। पापा हाँ सही हो गया प्रोग्राम? बहुत बढ़िया हो गया, संगत भी काफी हो गई थी है ना। परी सो गई है? परी सो गई, परी अब झूला खाने जा रही है पार्क में साधु के साथ। ये तो साधु मेरे हैं, मेरे हैं साधु। किसके आप? परी के, परी के। ओ परी के यहाँ, अच्छा डैडी तो मेरे हैं, है परी मिल ले, देखो गाइस कह रही मिल ले, सॉरी निशा पर मिल ले, जाग रही है सुनील जी। शिरानिया का डैडी आप ही मजे ले रहे हो, आप पापड़ की खिलाने ने मुझे तो खिलाई नहीं थी, दादू को खिला रही है, बड़ी टेस्टी है परी, बड़ी बोलती भी नहीं है, टेस्टी है, देखो दादू को खिला रही है, मेरे को दे दे पर एक देख ले, ओए राम कितनी चंटो है, ये छोटा कहाँ से आ गया, ये परी के लिए आ गया। अदिति कहाँ गई? आप अदिति के साथ खेल रहे थे ना, चली गई अदिति घर अपने। तो गाइस अभी बस घर पहुंचे हैं और थकान सी हो रही है, अब शॉप खोल लिए जाके, तो मैं निशा बोला तू चाय तो बना दे एटलीस्ट, चाय पीने का मन कर रहा था, पापा भी कह रहे थे चाय पीनी है, तो अब निशा कह रही मैं बस अभी करती हूँ। ये पोनी चाय अच्छी लग रही, निशा जी अभी नहीं अच्छी लग रही, ओपन करने पड़ते हैं, नहीं अच्छी लग रही है, हाँ बढ़िया लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। चल अब चाय बनाते जल्दी से और मैं जाऊँ शॉप पे। गुरु जी, सत श्री अकाल जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। गुरुद्वारे जाते हैं ना, वहाँ पर ही
हम गुरुद्वारे जाते हैं ना तो वहाँ ऐसे मत्था टेक के ना ऐसे बोला करो वाहेगुरु जी सत श्री अकाल जी, ठीक है? क्या बोलोगे? कैसे बोलोगे? कैसे? वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, बोलो बोलो बोलो, पहले बोलो वाहेगुरु जी, जोर से बोलो ना, सत श्री अकाल जी। बढ़िया, बस थकान थकान से हो रही है। आप जूस पियो, एनर्जी आए आपके लिए। अरे जूस इस टाइम? अरे पियो, जूस कहाँ से मिल गया इस टाइम? अरे हम ले आए ना, आज जूस पीने का दिल कर रहा था, मैंने कहा आपको ले भी लिया आपने। इसको भी दो, आजा आजा, आप भी पियोगे? आजा आओ अंदर आओ। सुनील जी अभी शॉप पे आए थे स्काई पर, वो मेरी सेल्फी लेके गए। अच्छा, कह रहे निशा जी जूस, मम्मी ये वाला सुनो, कह रहा निशा जी बाल खुले छोड़ो, अभी बस खाना वाना खाया, खाना खा के ऊपर आया। आज साफ बना, मम्मी तो मासी घर गई हुई है, मतलब मासी घर रह गई थी आज। मम्मी तो कह रही मैं एक दो दिन बहन अपनी बहन के पास रहूँगी, तो बहन अब अकेली हो जाएगी। सारे गेस्ट वगैरह चले गए, जो भी आए थे चौथे पे मासी के यहाँ, तो सारे आके चले गए अपने अपने घर। तो मासी अकेली रहेगी, बस मासी की दोनों बेटियाँ दामाद और मम्मी, बस यही लोग थे जो रह गए थे। मम्मी कह रही एक दो दिन मैं मासी घर रहूँगी, तो देखती हूँ कि कब आई, कब जैसे ठीक लगेगा फिर आऊँगी। पता नहीं कल आए शायद या परसों आए, मम्मी कल आ जाएंगी, मतलब जैसे भी अब आ जाएंगी। मम्मी कह रही है मैं थोड़ा ज़्यादा मासी के साथ टाइम बिताऊँगी, ताकि मासी ना थोड़ा लोनली फील ना करें। तो मम्मी कोई बात नहीं, मासी के लिए होगी। अब उनकी दो बेटियाँ, वो भी यही अभी कह रही थी कि हम भी आते जाते रहा करेंगे, दो दिन एक बेटी आएगी, दो दिन दूसरी बेटी आएगी, तो कर लेंगे मैनेज, देखो जाए क्या होता है। मासी को अभी अकेला, मतलब अभी अंकल गए, थोड़ा अकेला लगेगा, थोड़ा दिन आए लोग आएंगे जाएंगे, तो मासी को भी सही लगेगा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। तो अभी बस खाना वाना खाया, निशा और हम बात ही करते हैं, थकान हो गई बहुत ज़्यादा। आज कल कुछ किया भी नहीं है, शॉप भी नहीं खोली, शाम को ही खोली, फिर भी ऐसी थकान लग रही जैसे बहुत काम हो गया ना, कोई इतना काम भी नहीं किया। क्यों निशा, कल तो संडे है, परी को स्कूल नहीं जाना, शुक्र है कल आराम से उठेंगे। ये तो परी को स्कूल जाना होता था तो हम भी लेट हो, दो दिन हम जल्दी उठ रहे ना, हम कल वो मासी के जाने के चक्कर में, तभी वो थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है। चलो, सारा काम बहुत अच्छे से हो गया, सारा बढ़िया हो गया। सारे जो गेस्ट वगैरह आए थे सारे खुश होकर गए हैं। ज़्यादा वीडियो तो हमने बनाई नहीं है अंदर की, लेकिन हम अच्छा नहीं लगता तो, लेकिन फिर भी जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मजा आ गया। पूरी कैटरिंग कर दी थी, शादी कैटरिंग होती है ना, शादी कैटरिंग होती है, पूरे अंकल के लिए दही भल्ले बनाए हुए थे, जो अंकल को पसंद थी ना चीजें, जो अंकल को चीजें पसंद थी, अंकल को शायद नहीं बहुत अच्छी लगती थी, छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते थे, अच्छा दही भल्ले बहुत खाते थे, मासी ने एक एक चीज, गुलाब जामुन मासी ने एक एक चीज वो बनवाई है जो अंकल को पसंद थी। और देखो ना, पानी के साथ मासी ने कोल्ड ड्रिंक भी रखी है, कोल्ड ड्रिंक भी रखी है, सही है। मैं तो कभी ऐसे होता नहीं है चौथे पे, मैंने तो पहली बार देखी कोल्ड ड्रिंक चलेंगी, पानी तो होता है। चलो कोई बात नहीं, याद याद आई जाती है। और फिर शाम को चाय बिस्किट का वो भी था, वो लास्ट में जब होता चाय उठ गया, चौथा जब खत्म हो गया था ना, कल का पंडित जी के जब कर रहे थे, फिर चाय का। तो गाइस आज नींद आ रही है, आज सब लोग यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं कल आपको न्यू ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से व्यूज दीजिए। तो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय। और गाइस एक बात, एक दो दिन में निशा पार्लर दोबारा जाने वाली है, थोड़ा इसको और लुक चेंज करवाना है, बालों का नहीं और कुछ, तो दिखाएंगे आपको गाइस दो चार दिन में जल्दी। तो निशा जाना है कि नहीं जाना? जाऊंगी, अभी थोड़ा रुक के जाऊंगी, बहुत खर्चा होगा सुनील जी, कभी कब, दो चार दिन में जाएगी, जाऊंगी पर 2-4 दिन में जाऊंगी। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय। और हाँ, आज गाइस के कमेंट और आ रहे थे क्या? तो आज कमेंट आ रहे हैं कि आपका शैम्पू बहुत बहुत महंगा है, कोई और शैम्पू ट्राई करो। तो गाइस अब जो बोला है फिलहाल तो वही अभी ट्राई करेंगे,
क्योंकि अगर कोई और यूज करेंगे ना तो सारे बाल भी तो फिर जहाँ से करवाया ना फिर वो भी कहेगा कि भैया कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की, आपने हमारे कहने पे तो वो शैम्पू यूज़ किया नहीं, तभी तो आपको भेजा लेने के लिए। हाँ तो अभी तो फिलहाल वही लाया और वही यूज़ कर, आज निशा ने यूज़ भी करा है। क्यों निशा आज बाल सही हो रहे हैं? अरे वो पोनीटेल भी अच्छी लग रही, तुमने आज कह रहा था ना पोनीटेल बहुत अच्छी लग रही। वेल गाइस बताइएगा कमेंट में, मैंने पोनीटेल करके भी दिखाई थी ब्लॉग में, तो कमेंट जरूर बताइएगा कैसा। गाइस के तो कमेंट आते हैं कि पोनीटेल करो आपको अच्छी लगे, वो भी ना कर नहीं सकते, अभी रिंकल्स आ जाएंगे ना बालों में, अभी इतने पैसे लगाया तो अभी थोड़े तो ऐसे तो फिर तो कर ही नहीं पाएगी कभी। वो कह रहा लूज बांधो, टाइट करोगे ना वो रिंकल्स आ जाएंगे बालों में, तो फिर पोनीटेल तो कभी बनेगी नहीं, हो जाएगी 3-2 दिन बाद फिर पैसे होने लग जाएंगे ना बाल, फिर कर दूंगी। चल ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, गुड नाइट, हमारी बात तो चलती रहेंगी पूरी रात, तो मिलते हैं आज कल नए ब्लॉग में, बाय बाय।